शांति। आज की तारीख है 9/4/14 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक हमारे मीठे मीठे परम प्यारे परम पिता परमात्मा शिव बाबा, हमारे परम पिता भी हैं, परम शिक्षक भी हैं और सतगुरु भी हैं। तो परम शिक्षक बन करके हम बच्चों को मीठी मीठी शिक्षाएं देते हैं, जिससे हम श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के समान पूज्य बन जाते हैं। तो बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप जो शिक्षाएं देते हैं उन्हें अमल में लाओ, क्योंकि अमल में नहीं लाएंगे तो हम मनुष्य से देवता बन नहीं सकते। तुम्हें प्रतिज्ञा कर अपने वचन से फिरना नहीं है, माना मुकर नहीं जाना है। हमने प्रतिज्ञा ली तो प्रतिज्ञा को पालन करके दिखाना है, आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है। प्रश्न है, तुम्हारी पढ़ाई का सार क्या है, तुम्हें कौन सा अभ्यास अवश्य करना है? उत्तर है, तुम्हारी पढ़ाई है वानप्रस्थ में जाने की, घर जाने की, जहां वाणी नहीं, माना वाणी से परे के स्थान शांति धाम में जाने की। इस पढ़ाई का सार है वाणी से परे जाना। बाप ही सबको वापस ले जाते हैं। तुम बच्चों को घर जाने के पहले सतो प्रधान बनना है। इसके लिए एकांत में जाकर देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो, क्योंकि तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है तो हमें बाबा को याद करना पड़े। तो बाप है अशरीरी, तो हम अशरीरी हो करके और अशरीरी बाप को विधि पूर्वक याद करेंगे तो ही हम विकर्मों का विनाश करके तमो प्रधान से सतो प्रधान बन सकते हैं। अतः अशरीरी बनने का अभ्यास ही आत्मा को सतो प्रधान बनाएगा। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1 है, सतो प्रधान बनने के लिए याद की यात्रा से अपनी बैटरी चार्ज करनी है, अर्थात आत्मा में सर्व शक्तियां खत्म हो चुकी हैं, तो हमें आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है। माना सर्व शक्तिमान बाप से योग लगाकर और हमें अपने में शक्तियां भरनी है, अभूल बनना है, यानी भूले भी बहुत नहीं करनी है, लेकिन धीरे 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 हमें भूलों को कम करते करते बिल्कुल अभूल बनना है, कोई भी भूल ना हो। अपना रजिस्टर अच्छा रखना है, कोई भी गफलत नहीं करनी है। हाँ, माया बहुत धोखे में लाती है, तो हमें गफलत नहीं करनी है। अटेंशन होगा और चेकिंग करते रहेंगे तो बाबा कहते हैं कभी गफलत नहीं होगी। नंबर 2 है, मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, कोई भी बेकायदे कर्म नहीं करना है, माया के तूफानों की परवाह न कर कर्मेंद्रिय जीत बनना है, लिवर घड़ी समान एक्यूरेट पुरुषार्थ करना है। वरदान है मीठे मीठे सतगुरु बाबा का परमात्म दुआओं से। प्रभु भी दुआ देते, प्रभु के कहने पर हम जब चलते हैं तो परमात्म दुआओं से अपनी झोली भरपूर कर माया को दूर भगाने वाले विजयी रत्न भव। परमात्म दुआ क्या मिलती है, सर्व खजानों से बाप हमारी झोली भर देते हैं। संगम युग के महत्व को जान, हर सेकंड परमात्म दुआएं जमा करते रहो। परमात्म दुआओं से झोली सदा भरपूर है तो माया दूर से ही भाग जाएगी। जैसे कितने भी खौफनाक जानवर होते हैं, लेकिन आपके पास लाइट है तो वो आगे नहीं आते,
ऐसे सर्व शक्तियों की लाइट आपके साथ है तो माया समीप नहीं आ सकती। तो माया से युद्ध करने वाले नहीं, लेकिन बाप के साथ से, दुआओं से सदा माया जीत बनने वाले विजयी रत्न बनो। तो बाबा को सदा साथ में रखना है। स्लोगन है, अचानक के पेपर में पास होना है तो अलबेलेपन को छोड़कर अलर्ट बनो। हाँ, बहुत हमें स्फूर्ति में रहना है, अटेंशन में रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।